तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल भाई, शुरू होने लगी है। हाँ जी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 30 घंटे रह गए हैं बड़े मुकाबले के अंदर। बड़े अरसे से वेट था, आईपीएल खत्म हुआ, इसका वेट था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आएगा, फाइनली आ चुका। बड़ी खबर ये है कि पिच रिलीज, जिसे कहते हैं रिवील कर दी गई है पिच की, और जो पिच मैंने देखी है तोबा मेरी तोबा, इतनी ग्रीन पिच, ये तो कुछ ग्रीन कलर नहीं है, जितनी खतरनाक पिच है। जो नीचे फ्लोर के ऊपर ग्रास है ना, इतनी ग्रास लगी हुई है उस पिच के ऊपर, क्या पता वो काट दे इसको अगले 2 दिन के अंदर, इसको कम कर दे। लेकिन फिर भी नहीं, जो फाइनल पिच फाइनल देखेंगे ना, जब वो तो मैच टॉस के टाइम पता चलेगा। फिर भी जितनी ग्रास अभी है ना भाई, ये काम इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट कंडीशन के बॉलर, आप बड़े ब्ला के बॉलर है यार वो फास्ट बॉलर। मैं बताऊं कि अगर इंडिया के पास भी 3 कोई तगड़े होते हैं ना फास्ट बॉलर, तो इंडिया को भी फायदा होता है। बुमराह होता है, बुमराह बहुत इसको मिस करेगा वहां पे, क्योंकि उनके पास 4 फास्ट बॉलर है। उनके पास मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स हो गया, इसके पास स्कॉट बोलैंड जिसको कंडीशन बड़ी सूट करती है, कैमरून ग्रीन भी उनका ऑलराउंडर अच्छा बॉलर है। इंडिया के पास शामी सिराज, शामी ब्रिलियंट किस्म की फॉर्म के अंदर है, सिराज भी औसम किस्म का बॉलर है टेस्ट के अंदर। लेकिन ये दोनों अगर अपनी आई पे आए तो ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके इंडिया को आराम से जितवा के दे भी सकते हैं। लेकिन बात ये है कि तीसरा हाथ भी आना, क्योंकि टेस्ट मैच है, अब ये दोनों कितना स्पेल कर लेंगे। और उमेश यादव को भी, जिसको कहते हैं ना इंजरी से वापिस आ रहा है, जयदेव उनक्कत भी इंजरी से वापिस आ रहा है, तो उनका भी जिसको कहते हैं ना प्रॉपर फिटनेस का पता नहीं है किसी को। अलबत्ता देखी जाएगी, अभी तो मैच शुरू हो गया ना, पता चल जाएगा क्या होगा। क्या पता पिच के ऊपर से ग्रास खत्म कर दी जाए, थोड़ी कत उड़ा जाए, तो पहले 2 दिन स्पिनर्स को फायदा हो जाए, आगे जाके ग्रास आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि मैंने तो सुबह प्रिडिक्शन कर दी हुई है, मैंने तो प्रिडिक्शन कर दी हुई है कि मैंने, आप सोचो मैंने क्या प्रिडिक्ट किया होगा। मैंने आपकी वीडियो देखी है, देख ली है, चले मैंने आपकी वीडियो देख ली है, और उसकी वीडियो के नीचे कमेंट भी पड़े हैं, पढ़ लिया, चले बस ठीक है। तो मैंने तो प्रिडिक्शन कर दी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगा। इन दोनों से भी पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कौन जीतेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। पिच तो आपके सामने आ चुकी है, पिच की कंडीशन आ चुकी हुई है। इंडियन साइड से खबरें ये आ रही है कि जयदेव उनक्कत को शायद टीम में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि काफी सारे इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो उससे रिलेटेड ट्वीट कर रहे हैं और ऐसा शो करवाया जा रहा है कि क्या पता उसको टीम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इंडिया वाले कंफ्यूज हैं कि वो किसको खिलाएं, अश्विन को खिलाएं, जडेजा को खिलाएं या अक्षर पटेल को खिलाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ा जैसा कहते हैं ना सवाल बना, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है कंडीशन। और एक और बड़ा जैसा कहते हैं ना सवाल बना हुआ है, ये बना हुआ है कि जून के महीने में पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ, तो जुलाई में तो हुआ हुआ है ना, तो जून और जुलाई में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा वेदर थोड़ा सा चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लैंड की कंडीशन गर्मियों में ठीक ही रहती है अब्दुल्ला भाई, वहां पे पता नहीं चलता कब क्लाउड आए, एकदम आके बारिश शुरू हो जाती, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वेदर ड्रा हो गया, फिर ड्रा होता नहीं है इंग्लैंड के अंदर। आप देखिए फिर भी मैं आपको बताऊं, एक तो इंग्लैंड की कंडीशन में मुझे बड़ा कम ड्रा नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जिसको कहते हैं ड्रा होते हैं मैचेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो अगर इंग्लैंड खेल रहा हो ना, इंग्लैंड तो खेलते ही रिजल्ट के लिए, पिछले 13 मैचेस में से 11 वो जीते हैं, 2 हारे, कोई ड्रा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 अलग टीमें हैं, इनका आखिरी मैच ड्रा हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो पिच थी वो बड़ा जिसको कहते सीधा पिच था, अहमदाबाद का पिच बैटिंग ट्रैक था। लेकिन ये कंडीशन जो है ना, ये जो मुझे लगता है ना, अगर ऐसी पिच रही तो 2 से 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाना है, मजा नहीं आएगा यार फिर उसका। आप तो चाहते हैं 5 दिन का हो, मैं चाहता हूँ कि एंड तक जाए। यार मैं बताऊँ कौन सा मैच चाहता हूँ, आपको याद होगा जो इनकी सीरीज हुई थी उसका एक मैच रह गया था, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज थी उसका जो तीसरा टेस्ट मैच था, जिसके अंदर इंग्लैंड को आखिरी सेशन में उन्होंने बल्लेबाजी करवाई लंच के बाद, विराट कोहली ने बल्लेबाजी करवाने को दिया, इनको सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन खेलने थे, तकरीबन कोई 40-45 ओवर खेलने थे और तकरीबन कोई 300 रन चेस करने थे। लेकिन वो अब आप सोचें उसे 2 सेशन ही खेलेंगे, 10 विकेट उनकी आउट करवा दी, विराट कोहली ने एग्रेशन दिखा के, सिराज ने सुपर बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, तो सवाल ये है कि बातें तो होती रहेंगी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ये कौन सी टीम आपको पढ़ना हमारी नजर आ रहा है इस दफा? देखिए मैं वैसे तो चाहता था कि इंडिया जीते, इंडिया ने पिछली दफा भी इंडिया हार गया था, तो बार बार ऐसे मौके नहीं आते, इंडिया के पास ये बड़ा अच्छा मौका है, इंडिया को जीतना चाहिए। लेकिन अगर देखी जाए टीम्स और मौका देखा जाए, टीम्स देखी जाए, पिच देखी जाए और कंडीशंस देखी जाए, तो भाई 80% 70% कर ले मुझे ऑस्ट्रेलिया है।
आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं 70% ऑस्ट्रेलिया लॉक कर दिया जाए। हाँ लॉक कर, मैंने 65% ऑस्ट्रेलिया कहा था, आप 70% कह रहे हैं। 70% ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है, आप बताएं सर। इंडिया इंडिया जीत रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसकी मैं आपको रीजन भी देता हूँ। देखें जी, अभी फिलहाल जो एक वायरल चीज बनी हुई है वो ये है जी के इंग्लैंड की पिचेस और ये और वो, जो आपको आपने भी आजकल देखा होगा जो ट्रेंड चल रहा है, कंडीशंस की बात चल रही है, तो उसका जवाब सिंपली ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके भी हराया होगा, और ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके भी हराया हुआ। तो सर ये मैच इंडिया जीत रहा है। लेकिन शमीर भाई आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया और ये मैच इंग्लैंड में हो रहा है, नंबर वन चीज। नंबर दो चीज ये कि इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के आप प्लेयर्स का कंपैरिजन करें जरा, ठीक है, आप आपको पता लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया किधर है और इंडिया की टीम इस वक्त किधर है। इंडिया की टीम में कुछ नए बंदे भी हैं और अभी इंडिया इस इतने बड़े मैच में कुछ को ट्राई भी करने लगा, ठीक है, तो ये रिस्की है। शुभमन गिल पहली दफा इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर टेस्ट मैच खेलेगा, नहीं उसके अलावा भी और भी हैं कुछ जो इनके कुछ जिनकी बेस पे मैं कहता हूँ कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए पिक किया। तो आप अगर ये देखें ना, अगर जरा प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन भी कर लें, आप थोड़े और कंपैरिजन कर लें, कंडीशंस को देख लें, तो इसलिए मैं वलीद भाई ने भी आई तो भाई नहीं ना उन्होंने भी पिक किया। मैं आपकी भाई बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी जो आपने डिसीजन लिया है, और मैं देखते हैं एट द एंड क्या होता है। जो इंग्लैंड में इंडिया जीता था ना, बेशक उसके अंदर चले ऑस्ट्रेलिया वाली की पहले बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया जीता था उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की एक बी टीम थी जिसने जाके ना कोलैप्स कर दिया था, वहां जाके ऑस्ट्रेलिया को बुरा हाल कर दिया था, जिसमें विराट कोहली भी नहीं था, बुमराह भी नहीं था, वहां पे जाके ये लोग जीते थे। वो बड़ा जबरदस्त किस्म की विन थी, बहुत बड़ा विन था, पूरी दुनिया उसको जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट करती है। जो इंग्लैंड के अंदर इंडिया जीता था ना, उसके अंदर बुमराह का बहुत बड़ा हाथ था। बुमराह ने जो स्पेल मारे थे ना उस टेस्ट सीरीज के अंदर, बुमराह ने खीर कर दी थी भाई। बुमराह ने इंग्लैंड में फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है, मैंने ये बड़ा नोट किया है, और इंडिया के पास बुमराह नहीं है। इंडिया के पास शामी बेशक है, आईपीएल खेल के आ रहा है, फॉर्म में है, लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल हूँ कि वो सर आप ऑस्ट्रेलिया को पिक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट बॉलर्स, लेकिन हम अगर इंडियन स्क्वाड में भी देखें तो सिराज और शामी छोटे मोटे बॉलर्स नहीं है फास्ट बॉलिंग की कैटेगरी में। ठीक है आपकी बात ठीक है कि कितना कर लेंगे या क्या कर लेंगे, तो लेट्स सी, लेकिन मेरी अभी तक उम्मीद ही है कि इंडिया मैच जीत। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जो है ना कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर्स के साथ जाए। हाँ ये तो है, ज्यादा से ज्यादा पिच ऐसी है, ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर खिलाएंगे। इंडिया के पास दो मेन फास्ट बॉलर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के जो मैं आपको स्टैट्स बताऊं ना, उसके अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर में आता है ऑस्ट्रेलिया का नथन लियोन, जिसने 83 विकेट्स लिए हुए हैं। नंबर दो के ऊपर आता है कगिसो रबादा, जिसने 67 ली हुई है, और नंबर तीन के ऊपर अश्विन है 61 के साथ। तो लियोन का लेवल आप देख लें, वो खेलेगा एज अ स्पिनर, वो लाजमी खेलेगा। बाकी चार फास्ट बॉलर होंगे, कैमरून ग्रीन, स्टार्क, आपका पैट कमिंग्स ही नहीं मान जितना खतरनाक वो बॉलर है, स्कॉट बोलैंड, ये तो आपकी बॉलिंग लाइनअप होगी ना। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की, तो उस्मान ख्वाजा सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बना हुआ है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। नंबर वन पे है आपका जो रूट, जिसने 1900 रन किए हुए हैं, और नंबर तीन पे बाबर आजम है। लेकिन बात यह कि अगर लास्ट 10 मैचों की बात करें ना, तो लास्ट 10 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेबुशन ने तकरीबन 900 रन किए हुए हैं, और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन आए हुए 500 जो विराट कोहली के हैं 590 के करीब। तो आप इससे अंदाजा लगा ले, विराट कोहली की बीजीटी ट्रॉफी जो थी बड़ी जबरदस्त गई है, उसने हाईएस्ट रन गेटर बना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं। चले स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर लेते हैं ना, आपकी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है इस सीरीज के अंदर, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है इस मैच के फाइनल के अंदर? यार वीकनेस तो मुझे वैसे इतनी खास नजर नहीं आ रही। हाँ शायद उनका थोड़ा मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा हो वीक, लेकिन मुझे उनका इतना कुछ नजर नहीं आ रहा। उनकी बैटिंग, उनका टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा है, वॉर्नर है, स्मिथ है, और ख्वाजा है, फिर मार्नस है, तो कैमरून ग्रीन भी है, वो ऑलराउंडर अच्छा खेलता है, तो उनका ये बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी। उनके चार फास्ट बॉलर बड़े जबरदस्त टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, फिर एक उनका नथन लियोन जो है वो स्पिनर है। यानी ओवरऑल अगर कहना देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी बैलेंस है, बड़ी बैलेंस, ठीक है, और बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मैंने इन्हीं बेसिस पे पिक किया है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रही है ना वो मुझे बॉलिंग लग रही है, और कंडीशंस को देखा जाए जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की पिच है, तो मुझे बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप कह लें कि 60% बॉलिंग हावी रहेगी, 40% बैटिंग हावी रहेगी। और इंडिया की आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या लग रही है? इंडिया की बॉलिंग में भी थोड़े बहुत फ्लॉज है, और जहां तक बैटिंग में भी देखा जाए तो बैटिंग भी ना आप रोहित शर्मा को देख लें,
फिर विराट कोहली, ईशन किशन। ईशन किशन को मैं देखना चाहता हूँ कि वो ईशन किशन को आप खिलाना चाह रहे हैं प्लेयर खिलाना। देखे क्या अभी तो डेब्यू करेगा, देखें ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास। भारत वो तो आप ईशन किशन को ट्राई कर लें, ठीक है ना। आपके पास अगर केएस भारत है ट्राई करने के लिए तो आप ईशन किशन को ट्राई कर लें यार। अब वो दोनों तकरीबन को मैं दोनों को भी तकरीबन सेम ही समझता हूँ। बॉलिंग में आप समझ रहे वीकनेस है, बॉलिंग में इंडिया के पास दो फास्ट बॉलर मेन है, ऑस्ट्रेलिया के पास चारों के चारों ही मेन है, ठीक है। दो फास्ट बॉलर आखिर कितना की बॉल करवा देंगे। उमेश यादव को खिलाते वो भी एक थर्ड ऑप्शन बनता है जो जिसको कहते हैं ना बॉलिंग कर सकता है। लेकिन अभिला भाई इनको मसला क्या आना है, इनको मसला ये आना है कि अगर इनको चौथा फास्ट बॉलर खिलाने के लिए जडेजा या अश्विन में से किसी एक की कुर्बानी देनी होगी, किसी एक स्पिनर का जाना होगा। आपको बताऊं स्पिनर का स्टार्ट इतना बड़ा नहीं होता, स्पिनर आवर भी जल्दी करा जाता है, ठीक है। स्पिनर एक आधा एक प्रॉपर स्पिनर एक ऑलराउंडर भी चल जाएगा, लेकिन भाई फास्ट बॉलर आपको अगर ज्यादा से ज्यादा जितने भी फास्ट बॉलर आपके पास ऑप्शन है ना खिलाने के, आपको इस टेस्ट मैच में खिलाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ना पिछले जो मैंने ऑब्जर्व किया इंडियन टीम को, तो इंडिया ना जिसको कहते हैं ना थोड़ा ना अपनी ना नीचे से बैटिंग को स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहा होता है, किसी दिन उनको डर होता है कि हमारी बैटिंग ऊपर से कोलैप्स कर जाएगी। तब से हो रहा है जब से ऋषभ पंत, तो ना इनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से तीनों स्पिनर्स को खिलाएं, अक्षर जडेजा अश्विन को, ताकि नीचे आठ तक बच भी तो देख नौ तक इनकी बल्लेबाजी जारी होती है, कंडीशन को देखनी है ना। तो उसके अलावा अब इंडिया के लिए मुश्किल ये है कि इंडिया एक को तो लाजमी बिठाना ही है बाहर, अगर आप दो को खिलाते हैं तो फिर आप जिसको कहते हैं ना तीन फास्ट बॉलर जा सकते हैं बिल्कुल, तो आपको फिर एक और की कुर्बानी देनी है। अगर एक और की कुर्बानी देंगे आप चार फास्ट बॉलर के साथ होगी, जिसके अंदर शार्दुल जो है वो थोड़ी बहुत ही बल्लेबाजी कर लेता होता है, उनकी तरह नहीं बल्लेबाजी करता लेकिन थोड़ी बहुत उसने की है इंग्लैंड के अंदर भी टेस्ट सीरीज में की हुई है। अच्छा पिछला आपको सीरीज इनकी याद होगी, उसमें इंडिया को ज्यादातर जो हेल्प थी ना वो स्पिनर से मिली थी, क्योंकि इनकी पिचेस भी स्पिनर वो इंडियन थी ना। यहाँ पे अगर आप इंग्लैंड की सीरीज याद करें, बात है ना मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, इंग्लैंड में स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मिलेगी, इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर ऋषभ पंत जिसको कहते हैं ना जल्दी आके आउट हुआ करता था, या तो थोड़े उसने रन कर दिया तो आउट हो गया। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई थी नीचे से आके, वो रन कर रहा था वहां पे आके ना, उस टाइम भी जिसको कहते हैं ना ऊपर से केएल राहुल ने बड़ा यूजफुल रोल अदा किया हुआ था वहां पे, रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना अच्छा स्टार्ट दे रहा था, लेकिन चितेश्वर पुजारा भी बड़ा फ्लॉप हुआ था, सिर्फ एक आधी इनिंग से जिसमें वो चला था। तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस इस सीरीज के अंदर क्या है? नहीं जी शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात ये है कि उसके उनके पास जो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी हुआ है फास्ट बॉलर्स, उनके चार मेन फास्ट बॉलर्स हैं, वो कमिंस को ले लें या किसी को भी ले लें आप। और जहां तक बात रही वीकनेस के अंदर ना, तो बात वही है मेरे दिमाग में जहां तक है ना, वो ये है कि उनका मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा जो फ्लो है ना जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने कहा, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है। बाकी अगर हम इंडिया के स्क्वाड के अंदर जाएं तो उनकी फिलहाल जो वीकनेस चल रही है वो यही है लैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये है कि उन्हें फिलहाल अश्विन को बिठा के ना यादव को खिला देना चाहिए एज अ थर्ड फास्ट बॉलर। क्योंकि जडेजा की जहां तक बात रही तो जडेजा की एक बैटिंग वाली उसका पॉइंट भी है, ठीक है, और बॉलिंग में स्पिनिंग स्पिन बॉलिंग वो कर ही लेता है। और वीकनेस के अंदर तो मैंने आपको बताया कि ये जो सी फास्ट बॉलिंग के फास्ट बॉलर्स की लैकनेस है, ये इनकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ की जहां तक बात रही ना इंडियन टीम की, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे हिसाब से इस टाइम इनकी बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जिस तरह उनके पास मेन इस टाइम उनके बैट्समैन जा रहे हैं, शुभमन गिल को हम देख लें इन फॉर्म प्लेयर है, विराट कोहली इन फॉर्म प्लेयर है, जडेजा की भी हम देख लें तो इन फॉर्म प्लेयर है, रोहित शर्मा तो है ही, तो इस टाइम स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से बैटिंग रहेगी। वीकनेस में ये फास्ट बॉलर की लैकनेस है, फास्ट बॉलर के लेग में। आप देखें आपने ज्यादातर जिनके नाम लिए हैं उन्होंने ज्यादातर परफॉर्मेंस इंडिया में दी है, ठीक है, और ये इंग्लैंड की कंडीशन है। तो ये मैं तो खुद मैं आपकी बात अलग है, लेकिन मैं खुद बड़ा चाहता हूँ कि भाई मैं इनको इंग्लैंड में खेल स्पेशली शुभमन गिल को मैं शुभमन गिल का एक तरह का देखा जाए टेस्ट में यहाँ पे इंग्लैंड में डेब्यू है तो मजा आएगा देखने में, और वो भी इनफॉर्म प्लेयर चल रहा है तो लेट्स सी के क्या बनता है। कोई मैं तो भाई उसी को स्पेशल देखना चाहता हूँ मैं, हर कोई मेरे तो नजर आपको याद होगा जब से ये साल शुरू हुआ है तब से शुभमन गिल परफॉर्मेंस दे रहा है, और मैं तब हर परफॉर्मेंस के बाद कहता हूँ यार मैं इसको ना एक दफा इंग्लैंड की कंडीशन में या फिर आउट ऑफ द इंडिया मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो ये पहला मौका है तो मैं बड़ा बता दूंगा, चलिए देखते हैं क्या बनता है। आपको क्या लगता है आपने जरूर जिसको कहते हैं ना कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फेवरेट है। और अभी तक जिसको कहते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और वेबसाइट का लिंक सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी coverdrive.1 के नाम से वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, उसको जाके जरूर चेक करें ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट मिले। फिलहाल के लिए ज्यादा दीजिए अल्लाह।